डॉक्टर जगूल अनिजार किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जिद्दा के अंदर जियोलॉजी का प्रोफेसर हैं, कुरान करीम में साइंसी हकायक कमेटी के सरबराह भी हैं और मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामी अमूर की कमेटी के भी सरबराह हैं। इनका कहना है कि एक दफ़ा मैं बरतानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान करीम में बयान करदा साइंसी हकायक पर बहुत ही जामिया अंदाज के अंदर गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक से इस मजमे से एक नया नया मुसलमान होने वाला नौजवान खड़ा हुआ और मुझे कुरान करीम की सायते मुबारका की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस बयान पर गौर फरमाया कि क्या ये कुरान पाक में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर जगूल अनिजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान को नशिया या वाकयात की तशरी साइंस के जरिए की जा सकती है, लेकिन मौजा एक माफूकुल फितरत शय है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते, इसे दोहरा नहीं सकते और ना ही बार बार के तजर्बात के जरिए इसे साबित कर सकते हैं। बिल्कुल यही केस चांद के दो टुकड़े होने के मौजे के साथ भी है, यानी कि सूरह अल-कमर की इब्तदाई आयात के अंदर जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद के दो टुकड़े करने से मुतल्लिक मौजा वाज़े तौर पर बयान किया गया है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और आखिरी नबी साबित करने के लिए कुफार के सामने उनकी आंखों के सामने जाहिर हुआ, जिसे पूरी दुनिया के अंदर देखा गया। क्योंकि सूरह अल-कमर की इब्तदाई चंद आयात के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्यामत करीब आ गई और चांद फट गया और वो ये निशानी देखते हैं लेकिन मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो जादू है जो पहले से चला रहा है, और उन्होंने झुटलाया और पैरवी की अपने ख्वाहिशों की और हर एक काम का एक वक्त मुकर्रर है। डॉक्टर जगूल ने मजीद कहा कि चांद का दो टुकड़े होना एक मौजा था जिसको अल्लाह पाक ने नबुवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को साबित करने के लिए एक दलील के तौर पर कुफार को दिखाया। हकीकी मौजात इन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई के दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं, और हम इस मौजा को इसलिए तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और अहादीस दोनों के अंदर मौजूद है, और अगर ये जिक्र कुरान और अहादीस के अंदर मौजूद ना होता तो हम इस जमाने के लोग हम इसे मौजा तस्लीम ही ना करते, क्योंकि आज इसे साइंसी तौर पर साबित करना या अपनी मर्जी से दोहराना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा हमारा ये भी ईमान है कि अल्लाह पाक हर चीज पर कुदरत रखता है और वो पूरी कायनात का मालिक है, इसके लिए अपने नबी के जरिए लोगों को यह मौजा दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस नौ मुस्लिम नौजवान ने कहा कि सर, जब मैं मुख्तलिफ मजाहिब की तहकीक कर रहा था तो एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान करीम की इंग्लिश के अंदर तफसीर पेश की। मैंने इस दोस्त का शुक्रिया अदा किया और इसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान करीम को खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरह कमर की इब्तदाई चंद आयात थी, जिनका तर्जमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या इन आयात के अंदर कोई लॉजिक भी है? यानी क्या ये मुमकिन है कि चांद के दो टुकड़े हों और फिर वो आपस में दोबारा जुड़ भी जाएं? आखिर वो कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने ऐसा किया? इन आयत करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान करीम का मुताला बराबर जारी रखूं। कुछ ही अरसे के बाद मैं अपने घरेलू कामों के अंदर मसरूफ हो गया, लेकिन मेरे अंदर सच्चाई की तलब को जानने का अल्लाह ताला को खूब इल्म था, और यही वजह थी कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक होस्ट के साथ तीन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे। टीवी शो का होस्ट साइंसदानों पर इल्जाम लगा रहा था कि इस वक्त जब जमीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने डेरे डाले हुए हैं, आप लोग बिना मकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपये आप इन कामों पर खर्च कर रहे हैं, अगर जमीन पर खर्च करें तो कितने अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बना सकते हैं। इसी बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए इन तीनों साइंसदानों का कहना था कि ये खलाई टेक्नोलॉजी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, मसलन अद्वियात, सनत और ज़रात को वसी पैमाने पर तरक्की देने के अंदर इस्तेमाल होगी, क्योंकि खला में जाकर हम ऐसी चीज़ों को सीखेंगे और ऐसे तजर्बात करेंगे जिससे हमारी ज़मीन पर मौजूद इंसानी जिंदगियां मजीद आसान होंगी, जिसकी जिंदा मिसाल हमारी आंखों के सामने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की सूरत में आज भी मौजूद है और पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है। इसके बाद इन साइंसदानों ने बताया कि चांद के सफर पर आने जाने के इंतजाम पर हमें तकरीबन $1 खरब खर्च करना पड़ते हैं। टीवी होस्ट ने यह सुनने के बाद चीखते हुए कहा कि ये कैसा फजूलपन है, एक अमरीकी झंडे को चांद पर लगाने के मिशन पर $1 खरब खर्च करना कहाँ की अकलमंदी है? इन साइंसदानों ने जवाब दिया कि नहीं, हम चांद पर इतना पैसा लगाकर इस पर खोज इसलिए नहीं कर रहे कि हम एक रोज वहां पर जाकर इसकी सरजमीन पर अपना झंडा गाड़ सकें, बल्कि दर हकीकत हमारा मकसद तो चांद की बनावट का जायजा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे भी दोगुनी रकम खर्च करना पड़ सकती है, लेकिन ताहाल लोग इस बात को मानने के लिए ना तो तैयार हैं और ना ही वो मानेंगे। टीवी शो के होस्ट ने तजस्सुस से पूछा कि ऐसी क्या दरियाफ्त है? इन साइंसदानों ने जवाब दिया कि क्या आपको मालूम है कि एक दिन चांद के
दो टुकड़े हुए थे, जिसके बाद ये दोनों आपस में दोबारा मिल भी गए। होफ ने पूछा कि ये बात आपने कैसे महसूस की? इन्होंने जवाब दिया कि हमने चांद पर तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी देखी है जिसने चांद को इसकी सतह से मरकज तक और फिर मरकज से इसकी दूसरी सतह तक को काटा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस बात का जिक्र जियोलॉजिस्ट से भी किया है, लेकिन इनकी राय के मुताबिक ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता। इस बरतानवी नौ मुस्लिम नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो अपनी कुर्सी से बेख्तियार उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ताला ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर लगाकर मुसलमानों के नबी के इस मौजे को साबित करें, वो मौजा जिसका जहूर आज से 1400 साल कबल मुसलमानों के पैगम्बर के हाथों हुआ। सो मैंने सोचा कि इस मजहब को जरूर सच्चा होना चाहिए। मैंने कुरान को खोला और सूरह अल कमर को पढ़ा और दर हकीकत यही आयात मेरी इस्लाम में दाखिले की वजह बनी। जिसे कुछ ही मजीद वक्त गुजरने के बाद साइंटिस्ट ने हाल ही में साबित भी कर दिया है। ये वाकया दरअसल कुछ यूं है कि हदीसे मुबारका के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजा दिखाएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। इन लोगों ने कहा कि क्यों ना मुहम्मद से कोई ऐसा काम करवाया जाए जो नामुमकिन हो, लिहाजा कहने लगे कि इस चांद के दो टुकड़े कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा तुम्हारी नजरों के सामने हो जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? वो कहने लगे कि हाँ बेशक हम ईमान ले आएंगे। चुनांचे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया और इसी वक्त चांद के फटकर दो टुकड़े हो गए। हत्ता के लोगों ने हीरा पहाड़ को इसके दरमियान देखा और इसका एक टुकड़ा जबले अबू कुतैस पहाड़ और एक टुकड़ा जबले की कान के ऊपर मौजूद था। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सब लोगों ने इसे बखूबी देखा जो कि असर और मगरिब के वक्त तक मौजूद रहा। लोग इसे हैरत से देखते रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को फरमाया था कि देखो, याद रखना और गवाह रहना। जिसके बाद आपने अपनी उंगली से दोबारा चांद की तरफ इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह मिल गया। लेकिन फिर भी कुफारे मक्का ने इतना बड़ा मौजा अपनी आंखों से देखकर भी कहा कि ये तो सिर्फ मोहम्मद का जादू है। सो इन लोगों में से कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इस जादू का असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि जादू दरअसल किसी भी चीज को इसकी हकीकत से मोड़ने का नाम है और जादू का असर सिर्फ इन लोगों पर होता है जो कि इसे देख रहे हों, यानी कि ये नजर का धोखा होता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शकुल कमर का वाकया कोई जादू नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी मौजा था, जिसे वहां मौजूद लोगों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों ने देखा, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में या जहां भी मौजूद थे। क्योंकि कुफारे मक्का ने यह मौजा देखकर तय किया कि जो लोग भी दुनिया के किसी भी कोने से सफर करके वापस आएंगे, इनसे पूछो कि क्या उन्होंने भी इस रात को चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा, और अगर ये लोग भी इसकी गवाही दें तो मोहम्मद यकीनन सच्चे हैं और इनके मौजे में कोई शक नहीं। चुनांचे जब वो मुसाफिर वापिस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, फलां शब को हमने चांद के दो टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से देखे और शदीद हैरत में थे कि यह अचानक से क्या हुआ। इस शहादत के बावजूद भी सिर्फ कुछ ही कुफार को इस मौजे का यकीन आया, लेकिन कुफार की अक्सरियत फिर भी इसके इनकार पर अड़ी रही। वाकया शकुल कमर के वक्त हिंदुस्तान के इलाके मालाबार का राजा अपने महल की छत पर मौजूद था। इसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा और समझ गया कि कोई गैर मामूली वाकया रोनमा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त चांद के घटने बढ़ने इसके इल्म और जंत्रियों को बहुत ज्यादा अहमियत थी। चुनांचे इसने अपने बेटे के हमराह लोगों को रवाना किया कि पता लगाएं कि दरअसल माजरा क्या है। जब इसे खबर मिली कि यह मौजा एक अरब के नबी के हाथों हुआ है जिसकी आमद की खुशखबरी सदियों से किताबों के अंदर भी दी गई है, तो वो अपने लोगों के साथ ईमान लाने की गर्ज से मक्का के लिए रवाना हुआ और अरब से वापसी पर यमन के अंदर इसका इंतकाल हो गया, जहां आज भी इसका मकबरा मौजूद है। मालाबार की तारीख बयान करते हुए हिंदुस्तान की किताबों के अंदर आज भी इसका जिक्र मिलता है। हाल ही में नासा के एक सैटेलाइट ल्यूनर द कॉन्सेंस ने चांद की हजारों तस्वीर लेने के बाद जमीन पर भेजी तो साइंसदान ये देखकर दंग रह गए और इन्हें ये तस्वीरें देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भला कैसे मुमकिन है कि चांद की सतह पर एक अजीम शान दराड़ मौजूद है, जो ये बताती है कि माजी में जियोलॉजिकल हालात की बदौलत हमारे चांद की सतह अलग होने के बाद अब तक ना सिर्फ मुसलसल सुकड़ रही है बल्कि जुड़ने की कोशिश कर रही है। यानी कि हमारा चांद माजी में किसी वक्त दो टुकड़े हुआ, लेकिन फिर ग्रेविटी या कशिश शक्ल ने इसे दोबारा से जोड़ दिया, लेकिन फिर भी इस दराड़ को आज वाजे तौर पर देखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसे इस वक्त के अखबारात और रिसर्च पेपर के अंदर भी पब्लिश किया गया,
नेशनल एरोस्पेस म्यूजियम के डायरेक्टर टॉम वाटर्स ने इन निशानों को लोबर्ट स्कार्प्स का नाम दिया, जो कि तस्वीर में भी वाजे तौर पर देखे जा सकते हैं। 1989 में नासा के स्पेसक्राफ्ट ने एक चौंका देने वाली खोज की। यूरेनस के 5 चांद में से एक चांद, जिसका नाम है मेरिंडा, ये अचानक से खला में से आने वाले किसी आवारा शाबे साकिब के टकराने के बाद अचानक से टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही देर बाद ग्रेविटी या कशी से शक्ल ने इसे फिर से पहले की ही तरह जोड़ दिया, जिसने गैर मुस्लिम साइंटिस्ट को भी यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस वक्त की तरह माजी में हमारे चांद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इस इवेंट की तस्वीरें 1989 के नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में बाकायदा तौर पर पब्लिश की गई, जिसने दुनिया को ये बताया कि आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों रुनमा होने वाले मौजे की हकीकत अल्लाह ताला सच साबित करवाने के लिए खुद गैर मुस्लिमों की तहकीक और रिसर्च सामने रखकर इन्हें आईना दिखा रहा है कि रब करीम की जात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर चाहे वो चांद को दो टुकड़े करवाना हो या अपने महबूब को आसमानों पर बुलाकर सफरे मेराज करवाना हो, और ये भी कि कुरान करीम का हर एक लफ्ज हक और सच है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने को मिले। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।